हेलो गाइस, सत श्री अकाल, नमस्ते एवरीवन। उम्मीद करता हूं सब लोग ठीक ठाक होंगे। सो आज हम दिल्ली आए हुए थे। सो आज की मैं आपको लेटेस्ट अपडेट दूंगा कि अभी जो है मई तक की अपॉइंटमेंट मिलनी शुरू हो चुकी है। अगर आपके फरवरी का केस है, मार्च का, अप्रैल का केस है, सभी वो अभी जो काउंसलर एक्सेप्ट कर रहा है। लेकिन इसके साथ एक बैड न्यूज़ भी है कि जो सक्सेस रेट है वीज़ा का वो काफ़ी डाउन है। आज भी हमको लिस्ट दिखाई गई है, लेकिन वो कॉन्फिडेंशियल लिस्ट है जो मैं आपके साथ शो नहीं कर सकता, जिसमें से कम अभी जो वीज़ा रिजेक्शन रेट है वो 60% हो चुकी है। सो अगर आपके पास अपनी जो केसेस है तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा आप अपने एजेंट से बात कर ले, कम से कम 2 हफ्ते तक अपनी जो फाइलें सबमिट नहीं करवाएं। अगर करवाते हो तो वीज़ा सक्सेस का जो आपको रिजेक्शन रेट बहुत हाई होगा। हमारे भी अपने जो जनवरी के खुद के केस हैं, लेकिन हम उसको 2 वीक के लिए पोस्टपोन कर रहे हैं, और पोस्टपोन हमारा कराने का यही रीज़न है कि हमारी जो वीज़ा जो सक्सेस रेट ठीक हो जाए। क्योंकि अभी जो वीज़ा सक्सेस का रेट 50-50 चल रहा था, पिछले वीक में जो 90% थे जो वीज़ा रिजेक्ट हो रहे थे, और इसका जो सक्सेस रेट इसलिए कम हो रहा है कि रोमानिया आपको पता है जैसे शेंगेन में आ रहा है, तो इन्होंने अच्छा अपने को शेंगेन जोन में भी ये भी दिखाना है कि ये भी वीज़ा रिजेक्ट करते हैं, हर किसी को वीज़ा आसानी से नहीं देते हैं। सो अगर आपके पास फाइलें हैं, अगर आपका ऑनलाइन हो चुका है तो आप अपनी फाइल सबमिट करवा सकते हो। और जब भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपका परमिट इशू होता है तो उसको 2 मंथ में आपने इसको ऑनलाइन करना होता है। अगर आपको ऑनलाइन नहीं करोगे तो आपका जो है PCC एक्सपायर हो जाएगा। और नेक्स्ट वीक से ही जितनी भी अपॉइंटमेंट के लिए फ़ीस होती, पहले कैश सबमिट होती थी, अब वो उनके अकाउंट में जो है जमा करवानी पड़ेगी। सो रोमानिया के लिए हमारे पास और भी बहुत जॉब्स है जो आई हुई है, जिसमें आप हर तरह की कैटेगरी में जॉब में अप्लाई कर सकते हो, चाहे वो स्किल्ड वर्कर में हो, चाहे वो डिलीवरी बॉय के लिए हो। सो होपफुली गाइस आज की छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। सो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय।